अरे खुद ही देख लो। ये क्या बकवास कर दी तूने हरामजादे, काट कर रख दूंगा। अरे काटने की बात तो बाद में देखेंगे, अभी पकड़ के दिखा। एक्सक्यूज मी धर्मदास जी, वो आबनूर हीरो का हार भी 10 करोड़ रुपए का था, कहीं वही हार आपकी बेटी के गले में तो नहीं? नहीं नहीं, वो हार भला मेरी बेटी के गले में कैसे आएगा? ये तो बहुत ही मामूली सा हार है, बहुत ही मामूली सा। अच्छा। सिर्फ 1 लाख रुपए का है। फिर भी भाइयों, ये हार इस सुंदरी के गले तक पहुंचकर करोड़ों का लगता है। इस हार का कारीगर कौन है ये तो सिर्फ धर्मदास ही जाने। लेकिन ये सुंदरी सेठ जी की कारीगरी है। लगाइए लगाइए, बोली लगाइए, मेरा मतलब इस हार पर बोली लगाइए, सुंदरी पर नहीं। शुरू हो जाइए। 20,000, 22,000, 30,000, 35,000, 40,000, 45,000, 50,000। आगे बढ़िए भाइयों, वरना ये हार 50,000 में चला जाएगा। 50,000 एक, 50,000 दो, 50,000। शाबाश सेठ जी, आप ये हार कैसे छोड़ सकते हो? बाप का माल जो है कोई 1 लाख से आगे बढ़ने वाला? बोलो भाइयों। 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख। है कोई 5 लाख से आगे बढ़ने वाला? है कोई माई का लाल जो सेठ धर्मदास को पछाड़ सके? कोई नहीं। 5 लाख 1, 5 लाख 2। हेलो बाबूजी, अब हीरो का यही है, यही है वो हार। शंकर, जाके मेन स्विच देखो। अरे भाई ललिता, घबरा मत, तलाशी हो रही है, बहुत जल्द मिल जाएगा। डैडी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, अंधेरे में घर चले गए होंगे, तुम भी चलो। वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। जाने की एक वजह है, आओ मेरे साथ। पता करो वो हार मिल गया कि नहीं। मिलना है तो मिल जाएगा बाबूजी। आपको जबान मिल गई, मुझे दो जहान की दौलत मिल गई। बस नैना, तुम्हारे सामने विजय के बाबूजी हैं। बहू, तुम इतने दिन हमें कैसे भूल गई? बहू भूली कहां बाबूजी, आपके चरण छूने के सौभाग्य को तरस रही थी। आशीर्वाद दीजिए। दीजिए रहो बेटी। बेटे, बहुत कुछ बताना है बाबूजी। आप घर चलिए, मैं आपको सब बता दूंगा। नैना, मैं बाबूजी को घर छोड़ के आता हूँ। अच्छा, चलिए फिर लौटेंगे ना? हाँ जरूर लौटूंगा। राधा, शुक्र है गायब नहीं हुआ। ललिता के गले में जरूर नकली हार रहा होगा। क्या हो रहा है धर्मदास? तो ये है आपका धर्म, भगवान की मूर्ति की आड़ में चोरी का माल छुपा रखा है। नहीं, ये चोरी का माल नहीं है, ये मेरा है। हाँ हाँ, तो अभी पता चल जाएगा। अरे ललिता, तोड़ कर इधर आना। तो क्या बात है रवि? अपने डैडी के हाथों में ये हार देखो। अरे ये तो वही हार है जो मेरे गले से चुराया गया था। नहीं बेटी, वो हार नकली था, ये असली है। झूठ मत बोले सर जी, आपको कैसे मालूम पड़ा कि वो हार नकली था? इसलिए कि उसे मैंने ही बोला। हाँ हाँ, आप कैसे बोले?
इसलिए कि उसे आप ही ने बनवाया था। किस लिए बनवाया था? किस मकसद से बनवाया था? नहीं, मैं बना क्यों बनाने लगा? लेकिन बेटी, वो जो हाथ तेरे गले में था वो नकली था। और जो तुम्हारे सामने चोर है वो असली हार का मौजूद है। अब तो पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा। अभी फोन करता हूं। नहीं, प्लीज पुलिस को फोन मत करो प्लीज। अरे डरना कैसा सेठ जी, हार तो आपका अपना है ना। हाँ तो फिर डरना कैसा? अभी पुलिस, नहीं, नहीं, प्लीज पुलिस को फोन मत करो प्लीज। देखो तुम बदलने तक गुस्से को चाहते हो ना, तुम्हें मैं तुम्हारे ससुर बनने वाला हूँ। तुम अपने ससुर को पुलिस में दे दोगे? अरे इससे ससुरे को तो सूली पे चढ़ा देना चाहिए। मगर इस बात का फैसला बाबूजी करेंगे। बाबूजी? कौन बाबूजी? प्रेम बाबू, उन्हीं का बेटा हूं मैं। क्या? अरे यही है बेटे, यही है असली आबनूर हीरे, आखिर ये हमें मिल ही गए। अब हमारे घराने की खोई हुई खुशियां भी वापस लौट आएंगी बाबूजी। बस दुख है तो इस बात का कि इन्हें पाने की कोशिश में मुझे अपने माता पिता का विश्वास खोना पड़ा। रवि? हाँ बाबूजी, इन हीरो तक पहुंचने के लिए मैंने आपसे नाफरमानी की, आपके दुश्मनों से जा मिला, आपका दिल दुखाया। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। अरे बेटा, माफी तो हमें तुमसे मांगनी चाहिए जो हमने तुम्हें गलत समझा। हाँ बेटा, हम तो यही समझे थे कि धर्मदास की बेटी के इश्क में तुम इनसे जा मिले हो। मैं ललिता से प्यार करता हूँ, इस बात से मुझे इनकार नहीं है, मगर आप जैसे माता पिता पर मैं ऐसे हजार इश्क कुर्बान कर सकता हूँ बाबूजी। नहीं बेटे, नहीं बेटे, नहीं, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना बेटे। तुम मेरी बेटी से इश्क करते रहो, करते रहो, वरना मैं मारा जाऊंगा। अरे अगर इनका संदीप बनने का चांस हाथ से निकल गया तो ये जरूर मुझे हथकड़ी लगवा देंगे। अच्छा पहले ये बताइए कि उस पार्टी में वो नकली हार आपने नहीं उड़ाया तो फिर किसने उड़ाया? अजी उसी अथॉर्डे के बच्चे दुर्लभ ने। हाँ, शायद मेरे लिए लाए होंगे। आगे तो कुछ बोलो ना, तुम्हारे लिए राधा ने मुझे अपने हाथों से सजाया है, मगर मैंने ये हार खुद पहन लिया। अच्छी लग रही हो ना? सचमुच? ये क्या हो किए जाते हो? खुल के बोलो ना, कैसी लग रही हो मैं? हथौड़ा। राधा, राधा, ये क्या हो राधा? राधा आके खोलो, राधा आके खोलो, राधा, 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 अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं सकूंगा। राधा कुछ भी हो, राधा, राधा, राधा आके खोलो, राधा, क्या हो राधा, क्या हो तुम्हें? हथौड़ा।
हाँ।